हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे जिसे हम काइट बोलते हैं। काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें टू पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स होती हैं। हम पहले इसे एक पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी से बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कैसे इसमें टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड्स होती हैं। हम लेंगे एक A4 साइज शीट पेपर, आप ओरिगामी शीट पेपर भी ले सकते हैं। बाय यूजिंग दिस पेपर वी विल मेक अ काइट। सो हियर इज दिस रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू हाफ इट बाय मेकिंग अ फोल्ड। हम इसको हाफ कर लेंगे, एक फोल्ड बना लेंगे। लाइक दिस, राइट। अब आप सोचेंगे ये है तो फिर मुझको और क्या चाहिए, ये है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। बेटा मुझे चाहिए एक स्केल, एक पेन और एक कैंची। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू मार्क टू लाइंस जस्ट लाइक दिस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द पेज, द फोल्डेड पेज लाइक दिस, एंड फ्रॉम द अदर कॉर्नर मार्क इट लाइक दिस। अब क्या करें, अब जो आपने ये बनाया है इसको कट कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ सीजर वी आर गोइंग टू कट इट। कट इट अलोंग द लाइन एंड वेरी नीटली जस्ट टू हैव अ क्लियर एंड शार्पर क्वाड्रिलेटरल। I'm trying to cut it along the line बच्चों बोलो आबरा का डाबरा गिलगिली छू। अब मैं इसको ओपन करता हूं, ओपन करता हूं तो मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल आया। ये क्वाड्रिलेटरल एक स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो दो साइड्स हैं दे सीम टू बी ऑफ इक्वल लेंथ एंड दीज टू साइड्स आर ऑल्सो ऑफ इक्वल लेंथ, राइट। दीज आर टू एडजेसेंट साइड्स। सो दिस इज इन मैथमेटिकल लैंग्वेज दिस क्वाड्रिलेटरल इज नोन एज अ काइट। एक डायगोनल आपको क्रीज से ही दिख रहा होगा, दूसरा आप फोल्ड करके बना सकते हैं, राइट। यू कैन ड्रॉ अ फोल्ड like this to make the other diagonal। और इसकी सबसे खास बात क्या है, इसमें जो दोनों diagonals होते हैं वो आपस में एक दूसरे पे perpendicular होते हैं, यानी कि 90 degree का angle बनाते हैं। मैं इसको pen से mark कर सकता हूँ 90 degree, right? Scale लेकर pen से इसको mark भी किया जा सकता है 90 degree। And अगर आप measure करें इन डायगनल्स को, तो आप देखेंगे कि जो बड़ा डायगनल है वो छोटे डायगनल को बाइसेक्ट करता है। द बिगर डायगनल बाइसेक्ट्स द स्मॉलर डायगनल। एज वी कैन सी बाइसेक्ट मींस इट डिवाइड्स द स्मॉलर डायगनल इनटू टू इक्वल हाफ्स। 90 डिग्री तो एक दूसरे के ऊपर है, लेकिन जो बड़ा डायगनल है वो छोटे डायगनल को डिवाइड करता है। छोटा डायगनल बड़े डायगनल को इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड करता। देखिए कैसे, इसकी सिर्फ इतनी सी लेंथ है और बाकी इतनी बड़ी लेंथ है। और यहां पे अगर आप देखेंगे छोटे डायगनल को अगर मैं इसकी लेंथ स्केल से मेजर करूं तो इसकी लेंथ आ रही है हमारे पास रफली, ये 10 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर की लेंथ हमारे पास यहां पे 5 सेंटीमीटर की लेंथ आ जाएगी। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ काइट इन विच
bigger diagonal bisects the smaller diagonal, and both the diagonals are perpendicular to each other. And what is a kite? It is a quadrilateral having two pairs of adjacent equal sides. This side and this side, these are adjacent and they are equal. And this side and this side, they are adjacent and they are equal. Thanks for watching.